हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ये पूरे सिटी का नज़ारा आप देख रहे होंगे, बहुत ही प्यारा सा है और बहुत ही प्यारे मौसम में। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है और मौसम भी बहुत ही शानदार बना हुआ है, हवा भी चल रही है। ऐसी कई सारी प्लेसेस भोपाल में हैं जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं और इस वीडियो में मैं वो सारी प्लेसेस आपके लिए कवर करूँगा। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे घूम सकते हैं, क्या खर्चा आपका हो सकता है और टूर प्लान क्या हो सकता है। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ घूमिए भोपाल। भोपाल का नाम भोजपाल हुआ करता था क्योंकि यहाँ के राजा भोज थे और इस वजह से इस सिटी का इतिहास भी काफी पुराना माना जाता है। भोपाल पहुँचना आसान है क्योंकि यहाँ के लिए आसपास के शहरों से बस की सुविधा है, तो दूर दराज के स्टेशन से यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन्स भी हैं। इसके साथ ही भोपाल में एयरपोर्ट भी है और देश के कई शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट्स भी अवेलेबल हैं। भोपाल में आज सबसे पहले मैं यहाँ की सबसे पॉपुलर प्लेस वन विहार के लिए निकला, लेकिन वन विहार के रास्ते में पड़ने वाले अपर लेक को देखकर मेरी स्कूटी रुक गई। अपर लेक पर आपको फ्रेंड्स या फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा लगेगा और यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। नॉर्मल डेज में आप यहाँ पर क्रूज पर भी बैठ सकते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के बोटिंग के चार्जेस अलग अलग हैं। अपर लेक का रास्ता एंड होता है वन विहार पर और अब मैं वन विहार में ही जाने वाला था। यहाँ पर एंट्री टिकट 20 रुपये से स्टार्ट है और अगर व्हीकल से जाते हैं तो उसके लिए अलग से चार्जेस हैं। वन विहार फ्राइडे को क्लोज रहता है। मैं आ गया हूँ एमपी के वन विहार में और यहाँ पर वन विहार के अंदर आप स्कूटी, साइकिल, ऑटो और कार वगैरह से भी घूम सकते हैं और जिसके अलग अलग चार्जेस हैं। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे बगल में जो भोपाल का लेक है वो भी दिखेगा और अंदर आपको क्या है वो मैं तो अंदर जाकर ही दिखाऊंगा, मैं भी नहीं जानता हूँ अभी तो। पूरे वन विहार में मुझे केवल भालू देखने को मिला, उसके अलावा कोई भी जानवर नहीं था। ना टाइगर था, ना वाइट टाइगर दिखा, ना लॉयन दिखा। आई थिंक मैं गलत समय पे आ गया हूँ, बट मौसम तो अच्छा है इस टाइम, फिर भी जानवर बाहर नहीं निकले हुए। और बहुत ज़्यादा बड़ा तो है, 3 किलोमीटर का ये पूरा जो रोड है वो है, लेकिन जो जानवर वगैरह हैं बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो भी बड़े बड़े जानवर हैं जैसे टाइगर, जगुआर और साथ ही आपके लॉयन वगैरह, ये सब है यहाँ पर। भालू भी है, मगरमच्छ भी है, ये सब है। बाकी अगर आपका लक अच्छा हुआ तो यहाँ पे आपको जानवर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। सबसे ख़ास बात ये है कि आप स्कूटी, साइकिल, कार, ऑटो, ई रिक्शा किसी से भी ये प्लेस घूम सकते हैं और आराम से बहुत। बाकी जू में आपको थकना पड़ेगा, थोड़ा सा टायर्ड हो जाते हैं आप घूम के, बट यहाँ पर नहीं। मैं इतनी सारी ट्रैवलिंग करता हूँ तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत तो पड़ती ही है और उसके लिए मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ बिटकॉइन में न्यूओ ऐप के थ्रू। न्यूओ ऐप से मैं बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करता हूँ और पैसे अर्न करके ट्रैवलिंग करता हूँ। न्यूओ ऐप के थ्रू आप सिंपली 5 मिनट्स के अंदर KYC कंप्लीट करके बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ आप रेट चार्ट देख के बिटकॉइन को बाई कर सकते हैं और साथ ही स्क्रैच कार्ड भी जीत सकते हैं। इसके साथ ही रेट्स के बढ़ने के बाद आप बिटकॉइन को सेल कर सकते हैं और इंस्टेंट अपने बैंक अकाउंट में मनी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक डाउनलोड करें न्यूओ ऐप और अपनी ट्रैवलिंग के लिए पैसे अर्न करें।
भोपाल में मेरे होटल का रूम कैसा है मैं आपको अब दिखाता हूँ। ये रहा मेरे होटल का रूम, आप पूरा व्यू देख सकते हैं इसका। रूम में जो स्पेस की अगर बात की जाए तो स्पेस अच्छा खासा है यहाँ पर, और डबल बेड है और कबर्ड है उधर, और सोफ़ा है, एयर कंडीशन रूम है, टीवी लगी हुई है, और लाइटिंग जो यहाँ की है वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब यहाँ पे वॉल पे लाइटिंग है, ऊपर है, सीलिंग पे लाइटिंग है, और साथ ही ये मेरा वॉशरूम है। छोटा सा है बट इनफ साइज है, मतलब आप कम भी नहीं कहेंगे। और एक नई चीज़ यहाँ पे जो है वो ये है कि आप टच करके इसकी लाइटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो होटल का रूम काफ़ी अच्छा है, लाइट वगैरह भी लगी हुई है यहाँ पे। और इसका जो नाम है होटल का, ये है होटल अवंतिका, और भोपाल में काफ़ी अच्छा होटल है और काफ़ी बड़ा होटल है। और जो इसका प्राइस है पर नाइट के लिए, आपको 1500 रुपये से 2000 रुपये तक देना पड़ सकता है। अभी सीज़न नहीं है तो 1500 से कम में भी आपको पर नाइट के लिए ये होटल मिल जाएगा। किसी भी सिटी में होटल बुकिंग के लिए आप जस्ट स्टे ऐप का यूज़ कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से डाउनलोड करके और रेफरल कोड यूज़ करके एक्सक्लूसिव ऑफर्स ले सकते हैं। वन विहार से बाहर आते ही पड़ता है सैर सपाटा, लेकिन अभी ये प्लेस क्लोज थी, पर अगर आप बच्चों के साथ हैं तो यहाँ पर ज़रूर जाएं, क्योंकि आपके बच्चे इस प्लेस को काफ़ी एंजॉय करेंगे। सैर सपाटा से आगे बढ़ा तो भोपाल की एक बिल्कुल अलग ट्राइबल म्यूजियम देखने को मिला। इस म्यूजियम के एंट्री टिकट केवल 10 रुपये है, और ये म्यूजियम देखने में बिल्कुल डिफरेंट और मज़ेदार लगेगा, क्योंकि ये म्यूजियम ट्राइबल्स की लाइफ और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जो कि देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। भोपाल की टूरिस्ट प्लेसेस को कवर करने के लिए मैंने हायर की है स्कूटी, और ये है एविएटर, और इसके लिए जो मैंने रेंट दिया है एक दिन का वो दिया है 400 रुपीज़, और आपको 350 रुपीज़ में भी स्कूटी मिल जाएगी, जैसे कि एक्टिवा वगैरह मिल जाएगी। और अगर आप बाइक या बुलेट लेना चाहते हैं तो 500 से लेके 1000 रुपये तक का आपका खर्चा आ सकता है। और साथ ही इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ेंगे, आपको आधार कार्ड और DL देने पड़ेंगे, जो कि आपको वापस हो जाएंगे चेक करके, वेरीफाई करके। और जो भी आउटडोर प्लेसेस हैं, जैसे कि सांची, भीमबेटका और भोजपुर, ये सारी प्लेसेस आप स्कूटी से आप आराम से कवर कर सकते हैं। और 500 का आप पेट्रोल अगर भरवाते हैं तो 2 दिन में आप ये सारी प्लेसेस कवर कर लेंगे। बाकी इंडोर में जो साइट सीन है वो तो आप कवर कर ही लेंगे इससे। तो ओवरऑल अगर आपको घूमना है भोपाल तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन स्कूटी होगी। स्कूटी हायर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। शाम हो चुकी थी और वक्त हो चुका था कुछ खाने का, और घूमते फिरते मैं पहुंच गया बुधवारा मार्केट। लेकिन ये मार्केट नॉन वेजिटेरियंस के लिए परफेक्ट प्लेस थी, क्योंकि यहाँ नॉन वेज खाने वालों के लिए कई पॉपुलर शॉप्स थी। पर थोड़ा भटकने के बाद मुझे भोपाल की एक पॉपुलर शॉप मिल ही गई। भोपाल की एक पॉपुलर रेस्टोरेंट है और वो है मनोहर डेयरी एंड रेस्टोरेंट, और यहाँ पर मैंने मंगाया है बिरयानी, और ये देख रहे होंगे आप बिरयानी है, इस पर मैं रायता फैला देता हूँ, और रायते के साथ कैसा लगता है मैं आपको बताता हूँ। रायते के साथ ठीक है, प्लेन में खाता हूँ, प्लेन में ज़्यादा मज़ेदार मुझको लग रहा है। और यहाँ पे इसके अलावा भी और भी कई सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि थाली हो गया, चाइनीज़ आइटम है, नॉर्थ इंडियन है, चाट फुल्की, ये सब भी मिल जाएगा। और अच्छा रेस्टोरेंट है और काफ़ी पॉपुलर रेस्टोरेंट है, और इसकी जो प्राइस है ये मुझे मिला है 135 रुपीज़ में बिरयानी, और अगर आप यहाँ पे थाली लेते हैं तो 140 रुपीज़ में भी है, 180 रुपीज़ में भी है, और प्राइस बहुत अच्छा है और क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो एक बार आप आ रहे हैं भोपाल तो मनोहर डेयरी एंड रेस्टोरेंट में आके फूड्स वगैरह ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ की VIP रोड के बारे में काफ़ी सुना था, और खाने के बाद मैं यहीं पर पहुँच गया, और रात को ये प्लेस
काफ़ी प्यारी लग रही थी, जहां भोपाल के शानदार नज़ारों के साथ राजा भोज की स्टैचू भी लगी हुई थी। भोपाल की ये है वीआईपी रोड और यहाँ पे बहुत सारे लोग शाम को आते हैं वॉकिंग वगैरह करने के लिए और बहुत ही अच्छी हवा यहाँ पे चल रही है और यहाँ से आपको ब्रिज का भी व्यू दिखेगा। कैमरे में उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा बट ब्रिज का व्यू भी दिखेगा और यहाँ पे लेक जो है वो भी बहुत आपको प्यारी लगेगी। तो ये बहुत ही प्यारी सी प्लेस है और भोपाल में मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा मज़ा रात को ही घूमने में आया। दिन में गर्मी होती है पर रात में यहाँ पर अगर आप घूमेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। भोपाल की टूरिस्ट प्लेसेस को कवर करने के लिए मैं निकल चुका हूँ सुबह सुबह 6 बजे ही और अभी मैं जा रहा हूँ भीमबेटका के लिए जो कि लगभग 47 किलोमीटर की दूरी पर है मेरे होटल रूम से और मेन भोपाल से भी आप कह सकते हैं। और सुबह सुबह का मौसम बहुत ही अमेजिंग है और स्कूटी भी चलाने में मज़ा आ रहा है, हवा ठंडी ठंडी लग रही है। तो जल्दी से मैं पहुँचता हूँ भीमबेटका की तरफ। यहाँ रास्ते में कई किलोमीटर्स का कॉरिडोर बना हुआ है जहाँ लोग आराम से सुबह सुबह साइकिलिंग और जॉगिंग कर रहे थे। भीमबेटका जाते समय रास्ता एक जगह से कटता है और वो रास्ता जाता है भोजपुर की तरफ। ये भोजपुर का रास्ता है और मैं अभी पहले भोजपुर जा रहा हूँ, लगभग 27 किलोमीटर मेन सिटी से पड़ता है और वहाँ से होते हुए फिर उसके बाद मैं भीमबेटका जाऊँगा। भोजपुर तक जाने का पूरा रास्ता अच्छा था और रास्ते के व्यूज भी देखने लायक थे। भोजपुर मंदिर पर ऑलमोस्ट आ चुका हूं मैं और रास्ता बहुत ही शानदार है। सामने आपको दिख रहा होगा भोजपुर टेंपल और धीरे धीरे मैं उसी की तरफ बढ़ रहा हूं। रास्ता पूरा बहुत ही शानदार था और मौसम तो लाजवाब आज है ही, धूप भी बहुत तेज नहीं है, बहुत हल्की सी है अभी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है इसलिए ऐसा है, पर शानदार है। भोजपुर में ये टेंपल शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण 1010 से 1055 में राजा भोजदेव प्रथम ने करवाया था। ये मंदिर बहुत ही प्यारी लोकेशन पर है और यहाँ सुबह सुबह की आरती देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। मेरे बैक साइड में है भोजपुर मंदिर और बहुत ही शांत जगह है और सुबह सुबह ऐसे मौसम में यहाँ पर आना बहुत ही लाजवाब एक्सपीरियंस है। यहाँ पर आप ज़रूर आएँ, मस्ट विज़िट प्लेस है। मेन सिटी से थोड़ा दूर है बट अगर यहाँ पे नहीं आते हैं तो भोपाल की ट्रिप भी आपकी अधूरी रह जाएगी। भोजपुर से आगे बढ़ा तो लगभग 8 से 10 किलोमीटर का रास्ता काफ़ी ख़राब था लेकिन उसके बाद जो शानदार रोड आई कि बीते हुए खराब रास्ते भुला दिए। भोजपुर से भीमबेटका अप्रॉक्स 26 किलोमीटर की दूरी पर है और अब जल्द ही मैं यहां पर पहुंचने वाला था क्योंकि रास्ते में व्यूज भी अच्छे दिखने लगे थे। मैं आ चुका हूं भीमबेटका में और ये प्लेस दूर से ही मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रही है। यहाँ पर स्कूटी वगैरह के लिए 50 रुपीज़ आपको एंट्री का देना पड़ेगा और बड़े कार वगैरह है तो 100 रुपीज़ भी है। और यहाँ पे साइट ये मुझे दिखने लगी है। भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकाडकर ने 1957 से 58 के बीच की थी। यहाँ के पत्थरों पर प्राचीन मानव सभ्यता के चित्र बने हुए हैं और माना जाता है कि ये 1,00,000 साल पुराने हैं। भीमबेटका घूमने में आपको आधे से एक घंटे लग सकते हैं पर ये प्लेस भोपाल की काफ़ी पॉपुलर प्लेस है।
भीमबेटका पे अभी कोई भी नहीं आया हुआ है, पूरा खाली ये प्लेस है। और यहाँ पे जो शेल्टर पुराने ज़माने में यूज़ होते थे वो है, और कई सारे काफ़ी सारे आपको यहाँ पे देखने को हर जगह मिल जाएंगे। आप देख रहे होंगे कितना बड़ा सा ये शेल्टर है, और ऐसे यहाँ बहुत सारे हैं। भीमबेटका से मैं वापस भोपाल आ गया और यहाँ के फेमस ताज उल मस्जिद में गया। ताज उल मस्जिद वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट मस्जिद में शुमार होती है और इसका कंस्ट्रक्शन 1877 में नवाब शाहजहां बेगम ने स्टार्ट करवाया था। ताज उल मस्जिद से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है मनुआ भंड टेकरी, और इस प्लेस पर आकर पूरा भोपाल मेरी नजरों के सामने था। अब मैं आ गया हूँ मनुभन टेकरी में, और यहाँ से आपको पूरे भोपाल का व्यू दिखेगा। आप दूर वहाँ पे देख रहे होंगे जो लेक है वो दिख रही है, और साथ ही यहाँ पे आपको सिटी का व्यू भी दिख रहा है, और मौसम भी बहुत ही शानदार है। यहाँ पर आएंगे तो आपको ठंडी ठंडी हवा भी लगेगी। मेरा लक अच्छा था कि मौसम अच्छा और ज़्यादा हो गया, थोड़ी धूप थी बट अभी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। तो ये मस्त विजिट प्लेस है, यहाँ पर आप ज़रूर आएँ और आपको यहाँ पर आकर अच्छा भी लगेगा। ताज उल मस्जिद से 1 किलोमीटर दूर ही भोपाल की मेन मार्केट चौक बाजार है, और इस मार्केट में आपको ज़रूरत की सभी चीज़ें मिल जाएंगी। भोपाल में खाने के लिए सागर गैरेज एक बहुत ही पॉपुलर प्लेस है, और अब मैं यहीं पर गया। वैसे तो यहाँ के छोले कुलचे पॉपुलर हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर राजमा चावल मंगाया। भोपाल में कुछ जगहों पर साइकिल रेंट पर लेने के लिए साइकिल स्टैंड भी है, जहाँ ऐप की मदद से आप साइकिल हायर कर सकते हैं। भोपाल की वीडियो देखने के बाद आपके मन में उत्सुकता होगी कि भोपाल का आपका कितना खर्चा होगा घूमने का। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूँ कि आपको यहाँ पर घूमने के लिए कम से कम 3 दिन चाहिए। 3 दिन में आप यहाँ की सारी प्लेसेस कवर कर सकते हैं। वैसे 2 दिन में कर सकते हैं, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी, इसलिए 3 दिन आप अपने पास कम से कम रखें। 1 दिन सांची की ट्रिप कर सकते हैं, 1 दिन भीमबेटका और भोजपुर, और 1 दिन लोकल ट्रिप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर घूम सकते हैं 3 दिन में। तो 3 दिन में आपका खर्चा क्या होगा, पहले मैं होटल का आपको बता देता हूँ। होटल यहाँ पर आपको 1000 से 1500 रुपये का मिल जाएगा। अगर आप 1000 से कम में भी लेना चाहेंगे तो मिल जाएगा, बट अगर 1000, 1200, 1300 में अच्छे रूम मिल जाएंगे। मील्स का आपका लगभग 600 रुपये का पर डे का आपका पर पर्सन का खर्चा आएगा, और ट्रांसपोर्टेशन में आप स्कूटी का यूज़ करेंगे तो आपकी काफ़ी बचत होगी, और 1500 रुपये में आप आराम से यहाँ पे घूम लेंगे, क्योंकि 350 से 400 रुपये में आपको स्कूटी मिल जाती है, और बाकी आप पेट्रोल भी डलवा देंगे 500 रुपीज़ का, तो आपका आराम से हो जाएगा 1500 रुपीज़ में। तो पर पर्सन कॉस्ट आपका 3 दिन का यहाँ पर क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कम से कम आप लोग 2 लोग जाएंगे यहाँ पे। तो होटल का अगर खर्चा मैं कंसीडर करूं, लगभग आपका 1000 रुपये भी पर डे का कंसीडर करता हूं, तो आपका पर पर्सन पे आता है 1500 रुपीज़, 3 दिन का 500 रुपीज़ पर पर्सन पे आ जाएगा। तो 3 दिन का 1500 रुपये होटल का। मील्स का आपका लगभग आ जाएगा 1800 रुपीज़, 600 के हिसाब से, और आपका ट्रांसपोर्टेशन का 750 रुपीज़ आएगा, क्योंकि 2 लोग में शेयर हो जाएगा स्कूटी का भी खर्चा। तो इसका टोटल करेंगे तो 1500 होटल, 1800 मील्स का, मतलब 3300, और 750 रुपीज़ स्कूटी का आपका, मतलब 4050 रुपये में आप यहां पर घूम फिर सकते हैं आराम से। और यहाँ पे प्लेसेस अभी तो कई सारी क्लोज थी, बट जब आप आएंगे तब ओपन हो जाएगी। अभी कई सारी प्लेसेस 21 सितंबर से ओपन होने वाली है, तो ओवरऑल सभी प्लेसेस ओपन भी हो जाएंगी जल्दी ही यहाँ पर। और यहाँ पर घूमने के लिए जो बेस्ट टाइम आपके लिए हो सकता है वो आपका विंटर का हो सकता है, अक्टूबर टू मार्च आप यहाँ पे आ सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ तो थोड़ी सी गर्मी है, सितंबर वगैरह में जब बरसात वगैरह ख़त्म होती है तब गर्मी होती है, और बरसात के टाइम में भी थोड़ी गर्मी होती है, बट अगर मौसम अच्छा है बरसात के टाइम में भी आ सकते हैं आप। तो ओवरऑल ये इन्फॉर्मेशन थी भोपाल से रिलेटेड, और
और कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी, थैंक यू फ्रेंड्स।